नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लमगढ़, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग रोटेशनल मोशन में जो टॉपिक है वो लिया है मैंने, मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन अंडर प्योर रोलिंग। इसका अर्थ है कि हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन में देखेंगे कि अलग अलग बॉडीज को रोल जब करा जाता है तो उनका एक्सेलरेशन क्या होता है और कौन सबसे पहले सरफेस ग्राउंड लेवल पर पहुँचता है। अब हम लोग मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे जब बॉडी रोल करते हुए आ रही है। तो जैसे ये एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, मान लिया ये थीटा एंगल पर है। अब सपोज कोई एक बॉडी है, ये एक सिलेंडर भी हो सकता है, डिस्क भी, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रिंग भी हो सकती है। अब इसमें देखते हैं क्या है। मान लिया तो अब क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ से हमने सारी चीज़ों को लुढ़काया, डिस्क को, रिंग को और सिलेंडर और स्फीयर को, तो कौन सबसे पहले यहाँ ग्राउंड पर पहुँचेगा। तो इसका पता लगेगा इसके एक्सीलरेशन, जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले इस ग्राउंड पर पहुँच जाएगा। तो फिलहाल पहले हम जनरल एक फॉर्मूला निकालते हैं एक्सीलरेशन के लिए। तो मान लिया इसका मास है एम, तो ये वेट एम जी हो गया, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया एम जी कॉस थीटा, और ये इसकी रिएक्शन हो गई आर। अब ये लगेगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स। देखो फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल सरफेस से जो टेंजेंशियल लगता है उसको आप कहीं बीच से या इधर से नहीं लगाएंगे, तो कैसा लगता है, बिल्कुल सरफेस के पैरेलल लगता है टेंजेंशियल। तो ये तो हो गया एफ इक्वल टू म्यू आर, अगर हम इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू म्यू, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, आर की जगह हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और जो इसका अपना वेट है ये लगेगा इंक्लाइनेशन में एम जी साइन थीटा, ये इसको नीचे लाने का काम करेगा। तो एक तरह से कहें तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, सिर्फ क्या करना है अपने बॉडी को यहाँ रख के छोड़ देना है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ यही है, एम जी साइन थीटा के थ्रू ही वो बॉडी ग्राउंड को आएगी। तो एम जी साइन थीटा क्या करेगा, उसके लिए एक्सीलरेशन देने का काम करेगा। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अब लेकिन इसमें एक समस्या है, वो समस्या क्या है, ये क्वेश्चन होती तो सही लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इसमें फ्रिक्शन भी लगा है, एम जी साइन थीटा है डाउनवर्ड, ये हो गया, और म्यू आर है बैकवर्ड। अगर म्यू आर नहीं होता तब तो ये क्वेश्चन लगती, ये लगती कब, जब ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होता। अब चूंकि ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, वो करेक्शन क्या होगा कि यहाँ पर एफ और आ जाएगा इज इक्वल टू एम ए। तो दोनों चीज़ मैंने क्लियर कर दी, अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो सीधे एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, और जब सरफेस में फ्रिक्शन है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम एफ को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा का। अब टाउ कैसे निकलेगा, देखिए ये एफ है और ये रोटेशनल एक्सिस होगी, बॉडी कुछ इस प्रकार से रोटेट करते हुए चलेगी, तो एफ इंटू आर हो जाएगा, और इसकी रेडियस को हम लोग अगर क्या मान लें, स्मॉल आर मान लें, तो ये एफ इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको निकालना हो निकालिए, नहीं तो आप सिंपल आई भी छोड़ सकते हैं, वो तो बॉडी के हिसाब से पता चलेगा। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन आर। तो जो ये एफ की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, इसमें एक करेक्शन अगर हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, फॉर्मूला सिंप्लीफाई क्योंकि करना होता है हमें, कोशिश होती है, आप आई की जगह पर लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन अपॉन, हमने स्मॉल आर लिया है तो स्मॉल आर स्क्वायर। अब इन सब को हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पर एफ की जगह पुट कर देंगे, तो ये आ गया एम जी साइन थीटा एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। एम तीनों में कैंसिल कर दें अगर, तो ये आ गया जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बाकी रोटेशन किस एक्सिस के अलग हुआ वो मैंने आपको जो अलग अलग टॉपिक पढ़ाए थे सब में हमने सीख लिया था। अब सपोज करते हैं कि सबसे पहले रिंग आती है, तो रिंग रिंग किसके क्रॉस करेगी, उसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा, तो वहाँ पर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे,
एम आर स्क्वायर को किसके इक्वल कर देंगे, एम के स्क्वायर के। अब चूंकि यहाँ पर हमने रेडियस स्मॉल आर लिया है, इसको स्मॉल ले लेते हैं, तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो उस केस में के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रिंग के लिए यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन के की जगह आर रख दिया तो 1+1 टू जी बाई टू साइन थीटा या 0.5 जी साइन थीटा। ये केस तो था रिंग का। अब एक सेकेंड केस लेते हैं, वो वाला लेते हैं हम लोग डिस्क के लिए। इस फॉर्मूले की हमें लगातार जरूरत पड़ेगी, इसको लिख लेते हैं जी साइन थीटा अपॉन 1+ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आई बात डिस्क की, तो जो डिस्क होती है, अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, जो उसके सेंटर से एक्सेस जाती है परपेंडिकुलर, तो इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये कट गया तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर बाई टू। तो इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ये आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1+ आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर। तो ये 2 ऊपर गया, 2+1 2/3, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 2/3 जी साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 0.67 जी साइन थीटा। तो यानी कि अभी कौन जीत रहा है, अभी रिंग हार गई है और हमारे डिस्क जो है वो जीत चुकी है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिंग होगी डिस्क होगी, और ज्यूम कर लेते हैं सपोज हॉलो स्फीयर ले लेते, नहीं सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, अगर सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके जो उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है, सॉलिड सिलेंडर किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी डिस्क से। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वही किसका हो जाता है, सॉलिड सिलेंडर का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलावा, तो वो भी सेम एम आर स्क्वायर बाई टू ही आता है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए भी सेम वही चीज़ रिपीट होती है, उसके लिए भी फॉर्मूला यही आ जाता है क्या, ए इज इक्वल टू 0.67 जी साइन थीटा। तो यानी कि सिलेंडर और डिस्क तो जीत चुके हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके डायमीटर के अलावा, क्योंकि उसमें वो डायमीटर के अलावा रोटेट करेगा, वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। अब इसको इक्वल कर देंगे एम के स्क्वायर के, तो ये बन गया के स्क्वायर इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन आ गया जी साइन थीटा अपन 1+ 2/3 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/5। तो ए इक्वल टू 3/5 जी साइन थीटा, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 0.6 जी साइन थीटा। तो इसने रिंग को तो हरा दिया लेकिन डिस्क से ये नहीं जीत पाया, तो डिस्क अभी तक डिस्क और सॉलिड सिलेंडर पहले पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको भी इक्वल कर देंगे एम के स्क्वायर के, तो के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर। अब अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकाल दें तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1+ 2/5 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/7। तो ए इक्वल टू 5/7 जी साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो 7×7=49, तो ये सबसे ऊपर आ गया। यानी कि जब एक ही जगह से सारी चीज़ें समान वेट की समान त्रिज्या की लुढ़काई जाएंगी तो कौन जीतेगा, सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों लगभग लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, और भी इसमें अगर कोई टॉपिक होगा तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।